हर हर महादेव बम बम भोले। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भवन, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर एवं भव्य तरीके से बनाए गए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा स्टेशन से बात करें इसकी दूरी की तो लगभग 70 किलोमीटर की है, और यह इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक नर्मदा नदी का एक आइलैंड है, जिसके तरफ जाने के लिए आपको यहाँ पर दो तरह के ब्रिज हैं। एक नॉर्मल ब्रिज, दूसरा सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज फिलहाल अभी थोड़ा क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग में नहीं है। हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अपनी एक्टिवा से इंदौर से हम लोग सुबह 7 बजे निकल चुके थे, और हमने ये लगभग दूरी 3 घंटा में तय की, क्योंकि हमने ये रास्ता बहुत ही अच्छा एवं सुहाना था। चारों तरफ पहाड़, जंगल और ये घाटी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बीच में एक पड़ाव हमने लिया। बीच में एक विश्व प्रसिद्ध शनि नवग्रह मंदिर जो बायग्राम में स्थित है, जिसका मैंने ब्लॉग पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग इसका डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे निकल कर हम लोग पहुँचते हैं ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर में हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से, उससे पहले हमने सोचा कि हम इस नर्मदा नदी जो पवित्र नर्मदा नदी है, इस नदी में हम लोग डुबकी लगाएं, स्नान करें, उसके बाद हम लोग फिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। घाट नागर घाट पत्थर से कलकल करते हुए नदियाँ आगे की ओर बह रही है। इधर पीछे देखते हैं आप विशाल स्वरूप नागर घाट के विष्णु के। हर हर महादेव। हमने अभी ओमकार बाबा ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। काफी भीड़ थी, कई सामने की और ज्योतिर्लिंग हमने दर्शन करने के बाद मोटर बोट से नर्मदा नदी का सैर सपाटा करते हुए परिक्रमा किया। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने पर नर्मदा और कावेरी का संगम भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ब्रिज दिखने को मिलेंगे, और उसके आगे आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर डैम है, जहाँ से नर्मदा नदी के पानी को कंट्रोल किया जाता है। दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।